गुड मॉर्निंग फ्रेंड, 20 अगस्त की करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और 20 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, अशोक लवासा ने अपना इस्तीफा किसको सौंपा है? तो अशोक लवासा कौन है? आपको पता होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ये भी आते हैं। इलेक्शन जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उसके अंदर दो हैं और उन दोनों में से एक में अशोक लवासा थे। ठीक है, तो अशोक लवासा ने अपना इस्तीफा किसको सौंपा है? रामनाथ कोविंद को सौंपा है। ठीक है, आगे चलते हैं, जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये आप देख सकते हैं, ये हैं अशोक लवासा जी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हैं अशोक लवासा जी। और अगर हम चीफ इलेक्शन कमीशन की बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इस समय? सुनील अरोड़ा जी हैं। ठीक है, अशोक लवासा की बात करें तो ये कौन, ये 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर थे। क्या थे ये? 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर थे। और इस समय इनको क्यों छोड़ना पड़ा? ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, अगले महीने ये एशियन डेवलपमेंट बैंक में वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो इसकी जो पोस्ट होती है ये 6 साल के लिए होती है या 65 साल, दोनों में से जो भी सबसे पहले अचीव कर लिया जाए, या तो 65 साल का हो जाए या फिर 6 साल, 6 साल पूरा हो जाए। तो अगर 6 साल पूरा हो जाता है और 65 साल नहीं होता है तो भी रिटायरमेंट आ जाएगा। अगर 65 साल पूरा हो गया, चाहे वो 4 ही साल हुआ 5 साल हुआ, तब भी रिटायरमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन कब स्टार्ट हुआ है? इलेक्शन कमीशन 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसीलिए इस दिन वोटर्स डे भी मनाया जाता है, आपको पता होगा। ठीक है, और इसके अंदर अगर इलेक्शन कमीशन के अंदर बात करें तो कौन सा आर्टिकल काम करता है? तो आर्टिकल 324 काम करता है। ये आपको याद रखना है कि आर्टिकल 324 काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। किस आईआईटी में लोक कला अकादमी का उद्घाटन हुआ है? तो किस आईआईटी में लोक कला अकादमी का उद्घाटन हुआ है? तो आईआईटी खड़गपुर में हुआ है। कहाँ हुआ है? आईआईटी खड़गपुर में हुआ है। अब लोक कला अकादमी क्या है? ये आईआईटी खड़गपुर में हुआ है के बारे में जानते हैं। तो ये कहाँ है? ये पहली बात, जो आईआईटी खड़गपुर है ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। 1951 में, किस दिन? 1951 में, इसी साल इसका इसका आरंभ हुआ था ये आईआईटी खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। अगर इसका मोटो की बात करें तो क्या है? योगा कर्मसु कौशलम। ठीक है, क्या है मोटो इसका? योगा कर्मसु कौशलम, एक्सीलेंस इन एक्शन इज योगा, एक्सीलेंस इन एक्शन इज योगा। ठीक है, अगर बात करें तो इसमें ये कहा गया अजय चक्रवर्ती हैं। ठीक है, अजय चक्रवर्ती हैं। ये भी क्या है? फोक डांसर हैं आपके। ये क्या कराएंगे? 100 रागों का सिंगर हैं ये क्या कराएंगे? 100 रागों का, 100 रागों का यहाँ पे प्रैक्टिस देंगे। ठीक है, तो ये इनके बारे में कहा गया है। अगर अजय चक्रवर्ती का नाम याद रखिएगा, आईआईटी खड़गपुर में मतलब मेन काम ये इन्हीं का है, अजय चक्रवर्ती का। ठीक है, आगे चलते हैं। कोविड-19 रोगियों के लिए इंडिया की किस लेबोरेटरी ने 200 mg की गोली बनाई है? तो 200 mg की गोली किसने बनाई है? तो डॉक्टर रेडिज। किसने? डॉक्टर रेडिज। ये एक एक फार्मेटिकल कंपनी है और इसने क्या बनाया है? डॉक्टर रेडिज ने 200 mg की गोली बनाई है कोविड-19 के लिए। पर ये लो लेवल से लेकर मिडिल लेवल तक काम करेगी। ठीक है, हायर लेवल तक नहीं काम करेगी। ठीक है, अगर हायर लेवल की अभी तक कोई मेडिसिन नहीं बनी है, ठीक है, ये लो लेवल से लेकर मिडिल लेवल तक काम करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, ये है इस मेडिसिन का नाम, जिसका नाम है फेवीपीरावीर। क्या नाम है? फेवीपीरावीर नाम है, आप देख सकते हैं, कोविड-19 टेस्ट के लिए है फेवीपीरावीर। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी रेडिज की, तो ये अंजनी, डॉक्टर अंजी हैं। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ये अंजी हैं, डॉक्टर अंजी हैं। अंजी इन इन्हीं के नाम पर इन्हीं का ये है। ठीक है, डॉक्टर रेडिज, जो कि 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। और 200 मिलीग्राम आपको बस ये याद रखना है कि किसने बनाया है, तो डॉक्टर रेड्डीज ने 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। 200 मिलीग्राम की ये गोली है। ठीक है, और नाम क्या है इस गोली का? तो फेवी पी रावीर। क्या नाम है? फेवी पी रावीर। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किसको स्टार 2020 सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिए, गणेश विलास हैं ये, गणेश विलास हैं, इन्हीं को स्टार 2020 सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। ठीक है,
स्टार 2020 सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं। अगर इनके बारे में जाने तो ये सोलापुर बेस्ड सोशल एक्टिविटीज हैं, मतलब सोलापुर के रहने वाले हैं ये। और ये इनका नाम क्या है, गणेश विलास लिंगारे, पूरा नाम क्या है, गणेश विलास लिंगारे। ठीक है, और ये अवार्ड जो दिया जा रहा है स्टार 2020, ये किसके द्वारा दिया जा रहा है, वर्ल्ड बुक, ये एक वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड है जो कि लंदन वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड लंदन के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, इसका अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 2017 में इसकी फाउंडेशन हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर बात करें तो इन्होंने 21 स्कीम टोटल लॉन्च की थी, उसमें से इनकी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम थी वो थी कोविड पेशेंट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। ठीक है, जो भी कोविड पेशेंट थे उनसे कॉन्टैक्ट में ट्रेसिंग में इनको मदद मिल रही थी, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, और ये रहने वाले कहाँ के हैं, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के हैं। और ये जो इन्होंने ये बनाया है कोविड पेशेंट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ये भी सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में, मतलब जितने अभी इन्होंने अपनी 21 स्कीम जो लॉन्च की थी उनमें से कोविड पेशेंट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सिर्फ इसी की वजह से इनको क्या मिल रहा है, इनको मिल रहा है स्टार 2020 सर्टिफिकेट अवार्ड। ठीक है, गणेश विलास लिंगारे कहाँ से मिल रहा है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन से मिल रहा है। कब स्थापना हुई थी इसकी, 2017 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे मूव करते हैं, यहाँ से इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस सरकार ने राज्य में कोविड-19 रोगियों के लिए और प्लाज्मा थेरेपी स्थापित करने का, मतलब एक और प्लाज्मा थेरेपी स्थापित करने का, एक और प्लाज्मा थेरेपी स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो याद रखिए उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। तो याद रखिए उड़ीसा है, क्या है, उड़ीसा ने किया है। इसने हाल ही में एक और प्लाज्मा थेरेपी, मतलब कोविड-19, आपको पता होगा कोविड-19 के इलाज के लिए शुरुआत में ये बात आई थी कि प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इसका इलाज पॉसिबल है। ठीक है, प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इसका इलाज पॉसिबल है। तो किसने, कहाँ हो रहा है ये, एक और थेरेपी कहाँ खोली जा रही है, उड़ीसा में खोली जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, उड़ीसा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात जानते हैं। तो उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। ठीक है, सीएम कौन है यहाँ के, नवीन पटनायक है, बीजेडी के हैं। गवर्नर की बात करें तो गणेशी लाल जी हैं। लोकसभा सीट की बात करें तो 21 हैं, राज्यसभा 10 हैं। ठीक है, बॉर्डर एरियाज की बात करें तो वेस्ट बंगाल और झारखंड दोनों आपका किस साइड में है, नॉर्थ साइड में। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये रहा वेस्ट बंगाल और ये रहा आपका झारखंड, ये दोनों कहाँ हैं, यहाँ नॉर्थ साइड में पड़ रहे हैं। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता था, एक स्टेट दे देगा आपको, पूछेगा कि इसकी लोकेशन मध्य प्रदेश के रिलेशन में क्या है या इससे रिलेटेड में क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको ये करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा से और कौन सा राज्य लगा है, छत्तीसगढ़ लगा है। फिर आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, साउथ साइड से दो हैं, एक है आंध्र प्रदेश, एक है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, और आपका बे ऑफ बंगाल की बात करें तो वो इस साइड है। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। डांस की बात करें तो उड़ीसी है, घुमरा है और चाऊ है। ठीक है, उड़ीसी यहाँ का फेमस डांस है उड़ीसी। ठीक है, डैम की बात करें तो हीराकुंड डैम है जो कि महानदी पे पड़ा है, इंद्रावती है। ठीक है, दो डैम है यहाँ पे, हीराकुंडी और इंद्रावती। डैम तो वैसे बहुत हैं पर मेन जो है आपका हीराकुंड डैम है जो कि महानदी रिवर पे बना हुआ है। ठीक है, और इंद्रावती है। लेक्स की बात करें तो चिल्का लेक है और चिल्का लेक, अब ये चिल्का लेक जो है ये इरावडी डॉल्फिन्स के लिए फेमस है। ठीक है, चिल्का लेक जो है आपका उड़ीसा में ये इरावडी डॉल्फिन्स के लिए फेमस है। एयरपोर्ट की बात करें तो सांबलपुर है, बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दो हैं सांबलपुर और बीजू पटनायक। जो ये बीजू पटनायक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। नेशनल पार्क की बात करें तो सिमली पार, भीतरकनिका, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है सिमली पार और भीतरकनिका। ठीक है, आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में राष्ट्रपति इब्राहिम बोबकार केता ने इस्तीफा दिया है, वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? ठीक है, तो इनको मार पड़ी है, मार मतलब इन द सेंस कि इनके यहाँ मतलब गोली चल गई थी इनके बाहर, तो इसलिए इनको इस्तीफा देना पड़ा। तो ये कहाँ के हैं, माली के हैं। कहाँ के हैं, माली के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये माली के राष्ट्रपति हैं। अब बात करते हैं माली कहाँ पड़ता है, तो देखिए ये हैं आपके माली के राष्ट्रपति। ये आप देख सकते हैं इनका मुंह, एकदम आप देख सकते हैं कितना शानदार है। तो इनका नाम क्या है माली के राष्ट्रपति का जिन्होंने इस्तीफा दिया है, इब्राहिम बोबकार केता। ठीक है, ऑल्सो नोन एज IBK, इनका फुल शॉर्ट फॉर्म क्या था, IBK, इतना वैसे ही इतना धांसू नाम है, IBK इनका शॉर्ट फॉर्म है। ये माली के जो प्रेसिडेंट थे ये कब से थे, 2013 से थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे ये 1994 से लेकर 2000 तक। ठीक है, टोटल 6 साल ये रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, बतौर प्राइम मिनिस्टर। और 2013 से इन्होंने प्रेसिडेंट की
कमान संभाली थी, ठीक है। किस पार्टी से ये आते हैं, प्रेसिडेंट की बात करें तो 2002 से लेकर 2007 तक, ठीक है, ये क्या रह चुके हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं किसके, नेशनल असेंबली ऑफ माली के, ठीक है। और अगर केता केता जो थे ये किसके फादर थे, फादर ऑफ सेंटर लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टी। अगर पूछा जाए कि ये जो केता थे, हालांकि इतना पूछा नहीं जाएगा पर आप याद रख लीजिए, सेंटर लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टी इससे थे, ठीक है। ये आगे मूव करते हैं, आगे की बात करें तो माली देखिए, माली क्या है आपका, वेस्टर्न साउथ मतलब वेस्टर्न अफ्रीका, अफ्रीका का वेस्टर्न साइड में पड़ता है ये, ठीक है, वेस्टर्न कंट्री है। और ये माली जो है, माली आप यहाँ देख सकते हैं, येरा माली अफ्रीका में, येरा माली, ठीक है, इस साइड में पड़ता है। इसके बाकी जो पड़ोसी पड़ोसी देशों की बात करूँ तो कौन से हैं, तो ये कौन सा है, मरुटेनिया, मरुटेनिया है, आइवरी कोस्ट कई बार पेपर में आता है, ये देखिए आइवरी कोस्ट कई बार आता है, ठीक है, आइवरी कोस्ट, गुएना, इसकी बात करें नाइगर, नाइजीरिया, ठीक है। करेंसी की बात करें तो सीफीए सीएफए फ्रैंक है, ठीक है। उसके बाद में लैंग्वेज की बात करें तो फ्रेंच है, कैपिटल की बात करें बमाको है, कैपिटल यहाँ की क्या है, बमाको। तो माली की कैपिटल क्या है, बमाको। तो अगर याद करना है तो कैसे याद करेंगे, माली फ्रेंच बमाको, माली फ्रेंच बमाको, ठीक है फ्रेंड्स, माली फ्रेंच बमाको, ठीक है, फ्रेंच बोली जाती है यहाँ पे। हाल ही में किस आईआईटी ने शक्ति और वेगा के नाम से दो माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया है, आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है, ठीक है। ये पूर्ण स्वदेशी है, ठीक है, क्या है, पूर्ण स्वदेशी है ये, तो किसने लॉन्च किया है, आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे मूव करते हैं, भारत के किस बैंक ने हाल ही में एसएमएस शुल्क माफ किया है, भारत के किस बैंक ने हाल ही में, अब एसएमएस शुल्क नहीं देना पड़ेगा, किस बैंक के लिए नहीं देना पड़ेगा, पीएनबी, एसबीआई, आईसीआईसी। तो देखिए बैंक एसबीआई के लिए, अब एसबीआई ने कह दिया कि हम आपसे एसएमएस शुल्क नहीं लेंगे। एसबीआई के बारे में अगर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जाने तो देखिए, एसबीआई जो है, इसको पहले इसका जो नाम था इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया था, कई बार इसके नाम चेंज हुए, उसके बाद इसका नाम रखा गया था इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1 जुलाई 1955। टैगलाइन की बात करें तो सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं, क्या, सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स विद यू ऑल द वे। चेयरपर्सन की बात करें तो रजनीश कुमार, हेडक्वार्टर की बात करें मुंबई, मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें या एमडी की बात करें प्रवीण कुमार गुप्ता हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे मूव करते हैं, हाल ही में भारत में किसकी देखरेख के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की गई है, तो ड्रोन आधारित आपको पता है ड्रोन आजकल बहुत काम आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका यूज कौन कर रहा है, इंडियन रेलवे, इंडियन नेवी, इंडियन नेवी, तो इंडियन रेलवे इसका यूज कर रहा है, कौन कर रहा है, इंडियन रेलवे ने अब ड्रोन आधारित आरपीएफ की मदद लेकर, किसकी, आरपीएफ की मदद लेकर अब ये क्या कर रहा है, ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली शुरू कर रहा है, ठीक है, इंडियन रेलवे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे मूव करते हैं, हाल ही में साइकिल की मदद से निरीक्षण करने का निर्णय किसने लिया है, तो साइकिल की मदद से निरीक्षण किया जाएगा, अब इंडियन रोडवेज है, इंडियन रेलवेज है, इंडियन एयरपोर्ट है, तो याद रखिए फ्रेंड्स, हाँ इंडियन रेलवेज ही कर रही है, कौन कर रहा है, इंडियन रेलवेज ही साइकिल की मदद से इसका निरीक्षण कर रही है। टोटल लागत जो इसको बनाने में आएगी वो 5,000 रुपये आएगी, ठीक है, कुछ नहीं है फ्रेंड्स, एक साइकिल ले ली गई है और साइकिल में एक इस साइड से ट्रैक दे दिया गया है ताकि, और जो साइकिल चलाया जाएगा वो ट्रैक से, मतलब कोई भी चीज अगर किसी को जरूरत है, कभी ट्रैक खराब है या ट्रैक मेंटेनेंस का कोई काम कर रहा है, वहां पे जल्दी पहुंचना है, तो इस साइकिल की मदद से जो वहां के एम्प्लॉयज होंगे, जो कर्मचारी होंगे, वो बहुत आराम से पहुंच सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, यही है बस। आगे मूव करते हैं, अब ये देखिए फुल स्पेक्ट्रम, ये फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1972 to 2020 पुस्तक किसने लिखी है, अर्जुन सुब्रमण्यम, विपिन रावत, जी जी बख्शी, जी जी बख्शी तो सिर्फ भाषण देते हैं, विपिन रावत चले गए, अर्जुन सुब्रमण्यम किसने लिखी है, अर्जुन सुब्रमण्यम ने लिखी है, ये लोगो है देखिए, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1972 to 2020 स्पेक्ट्रम। अब देखिए अर्जुन सुब्रमण्यम, ये अर्जुन सुब्रमण्यम की बात करें तो वाइस चीफ मार्शल हैं ये, और अर्जुन सुब्रमण्यम की अगर बात करें तो इन्होंने क्या, कौन सी बुक लिखी है, फुल इंडियाज वॉर 1972 to 2020 स्पेक्ट्रम, इसमें इन्होंने कारगिल वॉर का भी जिक्र किया है, ठीक है, कारगिल वॉर की भी पूरी स्टोरी इन्होंने इसमें डाली हुई है, ठीक है, तो आपको याद रखना है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1972 to 2020, तो किसने लिखी है, अर्जुन सुब्रमण्यम ने लिखी है, ठीक है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किस राजनेता के नाम पे रखा गया है, ठीक है, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, अटल बिहारी वाजपेयी, तो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किस राजनेता के नाम पे रखा गया, तो देखिए फ्रेंड्स ये अटल बिहारी वाजपेयी के
नाम पे रखा गया है, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे ग्वालियर चंबल वे एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर। अच्छा, सवाल ये आता है कि इनका अगर बदला गया तो रखा क्या गया है, तो इसका नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे। क्या रखा गया है? अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये किसने घोषणा की थी, तो इसकी घोषणा एमपी के सीएम यानी कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज जी चौहान ने की थी, शिवराज सिंह चौहान ने की थी, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में पोरबंदर में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला किसने खोली है, तो याद रखिए ये किसने खोली है, एमपीडी इसरो आईएमडी, तो ये एमपीईडी ने खोली है। किसने खोली है? एमपीईडी ने खोली है। हाल ही में पोरबंदर में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला किसने खोली है? एमपीईडी ने खोली है। एमपीईडी के बारे में बात करें तो ये देखिए, ये इसके चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, ठीक है फ्रेंड्स, के एस श्रीनिवासन। क्या नाम है इनका? के एस श्रीनिवासन, आई एस है ये, के एस श्रीनिवासन। अगर बात करें आईएमपीडी की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोची में है, कोची केरला में है, ठीक है। फाउंडेड कब इसकी स्थापना हुई थी? 1972 में थी, 1972 में हुई थी, ठीक है। समुद्र उत्पाद नियंत्रण निर्यात विकास प्राधिकरण, ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? जो भी समुद्र के अंदर जो भी खनिज पदार्थ या कोई भी उससे रिलेटेड कोई भी सूचना होगी, वो कौन करेगा? वो आपका करेगा एमपीईडी करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में पोरबंदर में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला किसने खोली है, तो एमपीईडी ने खोली है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे मूव करते हैं। हाल ही में अटल रैंकिंग में पहला स्थान किस आईआईटी ने हासिल किया है, तो जो सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है उस आईआईटी को क्या किया जाता है? अटल रैंकिंग दी जाती है, ठीक है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, आईआईटी मद्रास, एक बार फिर आईआईटी मद्रास ने अटल रैंकिंग हासिल की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी रैंकिंग में पहला स्थान किस आईआईटी ने हासिल किया है, तो आईआईटी मद्रास ने हासिल किया है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे मूव करते हैं। हाल ही में आईपीएल 2020 का शिक्षक प्रयोजन अधिकार किसने जीता, हाल ही में आईपीएल 2020 का शिक्षक प्रयोजन अधिकार किसने दिया है, मतलब टाइटल किसने जीता, इसका टाइटल किसने जीता है, तो याद रखिए ड्रीम इलेवन ने जीता है, ठीक है। और आपको पता होगा ड्रीम इलेवन ने वीवो से अपना उसका टाइटल छीन चुका है, अब किसने जीता है? ड्रीम इलेवन ने जीता है, ठीक है फ्रेंड्स। किसने जीता है? ड्रीम इलेवन। अगर आईपीएल की बात करें तो आईपीएल करंट चैंपियन कौन है आईपीएल का? मुंबई इंडियंस हैं। फाउंडर की बात करें तो ललित मोदी जी हैं। कब फाउंड किए थे इन्होंने? 2008 में, ठीक है। इंडिया में इसकी अगर आईपीएल की बात करें तो 8 टीमें हैं। क्या हैं? 8 टीमें हैं, 8 स्टेट से उठाई गई हैं, ठीक है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल प्लेयर्स, किंग नाइन पंजाब, कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, सनराइज हैदराबाद। इंडियन प्रीमियर लीग इज अ प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग इन इंडिया कंसिस्टेड ड्यूरिंग मार्च और अप्रैल एंड मई ऑफ एवरी ईयर बाय 8 टीम्स रिप्रेजेंटिंग 8 डिफरेंट सिटीज इन इंडिया। द लीग वॉज फाउंडेड बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन 2008, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको ये सब क्लियर करा चुका है। ये टोटल 8 टीमें हैं, ये है मुंबई इंडियंस आपकी, ये है नाइट राइडर्स, ये है चेन्नई सुपर किंग्स, इसकी बात करें तो ये है आपकी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ठीक है। इसकी बात करें तो राजस्थान रॉयल्स, किंग नाइन पंजाब, दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स, ठीक है फ्रेंड्स। सनराइजर्स कहाँ की है? हैदराबाद की है, ठीक है। कई बार पूछा जा सकता है सनराइजर्स कहाँ की है? हैदराबाद की है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे मूव करते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, तो जल्दी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से लोग सम्मानित किया गया है, तो सबसे बड़ा खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा इनाम यही है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, एम एस धोनी, रोहित शर्मा, विजय फोगाट, रानी रामपाल, मनका बात्रा। तो याद रखिए एम एस धोनी को नहीं दिया गया है, ठीक है। अभी इन्होंने जल्द में संन्यास लिया था, कल या परसों की न्यूज है, ठीक है फ्रेंड्स। जानते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बारे में। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ये किसमें? स्पोर्ट्स और गेम्स के बीच में ये हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है। क्या है? मैंने आपको पहले बता चुका है, हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है ये, ठीक है। और ये कब? ये राजीव गांधी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उनके उपलक्ष में ये रखा गया है, ठीक है। 1984 टू 1989 राजीव गांधी ने इस दौरान अपनी सेवाएं दी थी देश को, ठीक है। कौन प्रोवाइड करता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। हाईएस्ट स्पोर्ट और ऑनर है इंडिया का। रिवॉर्ड अमाउंट की बात करें तो 7.5 लाख है। स्पॉन्सर्ड की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको देती है, ठीक है।
अगर बात करें अर्जुन अवार्ड की, फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा, अर्जुन अवार्ड टोटल 29 लोगों को मिल रहा है, ठीक है, किसको मिल रहा है, 29 लोगों को टोटल अर्जुन अवार्ड मिल रहा है, ठीक है। तो अगर बात करें रोहित शर्मा, तो ये रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है। विनेश फोगाट की बात करें तो ये रेस्लर हैं। रानी रामपाल की बात करें तो ये हॉकी खेलती हैं। मनिका बत्रा की बात करें तो ये टेबल टेनिस खेलते हैं। और टी मरियप्पन की बात करें तो ये पैरा एथलेटिक हैं। तो इन पांच लोगों को, आपको इन पांच लोगों का नाम याद रखना है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा रहा है। किसको किसको, रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, रोहित शर्मा की बात करें क्रिकेट, विनेश फोगाट की बात करें रेस्लर हैं, रानी रामपाल हॉकी खेलती हैं, मनिका बत्रा टेबल टेनिस खेलती हैं, टी मरियप्पन क्या कहते हैं, पैरा एथलेटिक हैं, ठीक है, पैरा एथलीट हैं। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रखने की मंजूरी दी गई है, तो हाल ही में किस रेलवे का स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रखने की मंजूरी दी गई है, तो किसका, मंडुआ डी, किसका, मंडुआ डी। तो गृह मंत्रालय से ये आया है, किससे, कहाँ से, गृह मंत्रालय से आया है। क्या नाम आया है कि मंडुआ डी का नाम, मंडुआ डी का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखने की मंजूरी दी गई है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे मूव करते हैं, विश्व मानवतावादी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो याद रखिए विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है, 19 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज फ्रेंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है फ्रेंड। आगे मूव करते हैं, हाल ही में किस राज्य ने नई इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 की घोषणा की है, हाल ही में किस राज्य ने नई इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 की घोषणा की है, तो याद रखिए फ्रेंड्स, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तो उत्तर प्रदेश ने की है, किसने की है, उत्तर प्रदेश ने की है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे दूं कि ये जो क्या है, ये नई इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति, तो इसके तहत क्या है फ्रेंड्स, 40,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा इसमें, और 4,00,000 प्रत्यक्ष रोजगार दिए जाएंगे, कितने, 4,00,000 प्रत्यक्ष रोजगार दिए जाएंगे। 2017 में इसकी घोषणा की गई थी, किसने की थी, योगी आदित्यनाथ ने, योगी बाबा ने अपने 2017 में इसकी घोषणा की थी। कहाँ पे होगा ये, कहाँ पे ये सब नियुक्तियां की जाएंगी, तो याद रखिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे, तीन जगह होगी, कहाँ पे, नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे, ठीक है, तीन जगह पे टोटल 2017 में इसकी 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 घोषणा की थी, योगी आदित्यनाथ ने की थी। 40,000 करोड़ रुपए की लागत लगेगी और 4,00,000 रोजगार की नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा करंट अफेयर का सेशन 20 तारीख का समाप्त होता है। इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।